अच्छा जी, इसके अलावा क्या दिखाने लगे? अच्छा, इसके अलावा आपको मैं कुछ चकोर है। सही। चकोर नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं ये एक वीडियो में ऐसा अलग टॉपिक हो जाएगा। मैंने एक अपने YouTube की वीडियो में टॉपिक सोचा था, आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपने घर में और अपने शेड में ये चकोर लगाएं और जादू से बचाएं। ये अल्लाह माफ करे, मेरा कोई इस पर कोई अकीदा नहीं है भाई। ये कल मेरे कस्टमर हैं बहुत अच्छे, मेरे पास कोई चकोर नहीं थे आज से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी करा अपनी विल पावर पे करा, अल्लाह पे यकीन करते हुए करा। तो आपका कामिल ईमान जो है सब कुछ अल्लाह पर होना चाहिए, ये सब चीज़ें कोई बेमायने बेमतलब होती है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसी शुगल के अंदर एक ये टॉपिक सोचा है, अपने शेट को जादू से बचाए, चकोर पाले। तो अगर किसी को चकोर के पेड़ चाहिए हो तो मैं आपको चकोर के पेड़ दिखाता हूँ, और इंशाल्लाह ताला वो एडल्ट ब्रीड बड़ी एज के पेड़ है, अंडे बच्चे करते हुए। बच्चे तो खैर नहीं करते, वो अंडे दे देते भाई, वो ब्रीड करते हैं। हाँ, इस तरीके से, क्योंकि वो उनकी एज अच्छी बड़ी एज तकरीबन डेढ़ दो साल के होंगे, दो साल के। चले आपको वो दिखा देते हैं। अच्छा जी लारे भाई, इस चकोर की आप बात कर रहे थे। यार हमारे पास ये जो चकोर है ना, ये ऊपर नीचे दो फ्लोर के अंदर आपको दिख रहे होंगे, और ये हमारा वैसे तो पाकिस्तान का नेशनल कौमी परिंदा है, कौमी पेट है ये हमारा चकोर, जिसके बारे में लोगों को वैसे कोई इन्फॉर्मेशन खास नहीं है। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ कि नर मादा की इसके अंदर पहचान क्या होती है। अक्सर लोगों को नर मादा की पहचान ही नहीं पता, नर नर रखे हुए, मादा मादा रखी हुई उन्होंने, तो क्या है वो मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ पहचान। अच्छा जी, इसमें जो नर मादा की पहचान है वो ये है कि नर की जो बीक होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड, शार्प और आगे तक की आई हुई होती है, घूमी भी नीचे तक, अक्सर मादियों में भी होती है ये चीज़। ठीक है, लेकिन नर की जो बीक है ना, नीचे से मोटी होगी। अभी मैं आपको एक ऐसा ही सेम इसी तरीके की पतली बीक की एक फीमेल दिखाऊँगा, और इसके अंदर लोग कहते हैं कि इसके जो ना कांटे भी होते हैं। तो भाई ये मैंने भी खुद पढ़ी हैं चीज़ें, समझी हैं, इनके जो पैर होंगे ना ये प्लेन ही होंगे। ठीक है, अगर फीमेल है अगर आपके पास, तो उसके फीमेल के आपके पैर पे आपको जो है ना गंदम के जितना एक दाना दिखेगा, और मेल के जो होगा ना वो मकई के जितना दाना होगा, मेल का दाना। ठीक है, ये एक छोटी सी पहचान है। अक्सर और बेशतर कोई कोई चकोर अक्सर बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा बोलने के ऊपर ही इनकी कीमतें होती हैं। तो ये मैं खैर आपको छोड़ के अभी दूसरा एक दाना जिसके पैर पे हो वो भी दिखाता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अब ये देखें आप, अब ये एक चकोर है, जैसे कि इसके पैर पे आपको मकई के जितना दाना नजर आ रहा है। ठीक है, उसके नहीं था, किसी किसी चकोर की होती है ये चीज। ठीक है, ये देख रहे हैं आप दाना, ये दाना जो है ना ये गोल है, ये मकई के जैसा है। गंदम के जितना बड़ा दाना अगर होगा ना, तो यानी कि वो फीमेल है। अब इसका हेड देखें आप, कितना बड़ा हेड है, कितनी बड़ी बीक है, और नीचे से भी बीक इसकी कितनी मोटी है। मेल फीमेल से बड़ा साइज में होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसकी फीमेल का साइज जो होगा छोटा होगा बनिस्बत है के मेल के। ठीक है, ये इसका हेड हो गया, ये तमाम चीज़ें। अब मैं इसमें से नीचे से निकालता हूँ यहाँ पे फीमेल्स को, और फीमेल्स का आपको साइज ज़रा दिखा देते हैं भाई। अब ये देखें आप, कितनी पतली सी इसकी नीचे की जो बीक होगी ना, ये दोनों साइड इसकी पतली होंगी, हेड साइड छोटा होगा, ऐसे ही छोटी होगी, और इसके भी कुछ नहीं होगा, इसके पैर के ऊपर कुछ नहीं होगा, किसी किसी के ऊपर जो है गंदम के जितना दाना होगा। तो ये पेयर होते हैं, ये पूरे पूरे पेयर भाई। वैसे तो लोग कहते हैं इसको चांद को देख के ही दौड़ जाता है, लोग बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं, और काला तीतर रखे हैं, जादू से बचाता है ये, तो वो तो खैर यार अल्लाह ताला पे मैं तो कहता हूँ बस भरोसा यकीन होना चाहिए, और कुछ नहीं होता। तो इसी तरीके से ये रहा, सही है, ये पूरा अगर किसी को जोड़े चाहिए, पेयरिंग बनानी है, तो भाई वो पूरे पेयर मिल जाएंगे, पूरे पूरे पेयर मिल जाएंगे। पेयर के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पेयर आपको मुनासिब से कीमत में दे दूंगा, 6,000 रुपये का। 6,000 का पेयर मिल, 6,000 रुपये का पेयर, वरना मार्केट में यही पेयर 8,000-8,000 रुपये के, 10,000-10,000 रुपये के हैं। ठीक है, इनसे ब्रीड लें, इंक्यूबेट कराएं, या घर में ऐसे ही रख लें बस। तो अगर किसी को चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर जो गिवन होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर रब्ता कर लें आप लोग, इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे।